गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में, सेकेंडरी मार्केट के चैप्टर में, दैट इज प्रोसीजर फॉर डीलिंग एट स्टॉक एक्सचेंज। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक प्रोसीजर फॉर डीलिंग एट स्टॉक एक्सचेंजेस जो हम कर रहे हैं, और उसके बाद एक लिस्टिंग वाला जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो रेस्ट जो आपके चैप्टर है उसमें से भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे टाइप्स ऑफ स्पेक्यूलेटर्स की बात हो गई, 4 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है 20 मार्क्स का, उसमें 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं टाइप ऑफ स्पेक्यूलेटर्स में। ये जो चैप्टर है वही बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैक्सिमम इन द सेंस कि आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल जाता है और आपको एक फुल फ्लेज जो 15-16 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है वो भी मिल जाता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ प्रोसीजर फॉर डीलिंग एट स्टॉक एक्सचेंजेस। कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, दैट इज़ स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ वही पर्सन बाइंग और सेलिंग या ट्रेडिंग कर सकता है जो वहाँ पे रजिस्टर्ड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल जो पर्सन है वो बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकता। यहाँ पे जो मैंने बोला उसका मतलब ये है कि जो भी आपका प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को जो करेगा पर्सन, वो पर्सन होगा जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होगा, वो सिर्फ वही पर्सन कर सकता है। जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगी सिक्योरिटीज में स्टॉक एक्सचेंज की, वो सिर्फ और ओनली थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होती है। इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली अलाउड नहीं है ट्रांजैक्ट करना। तो जो प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो होता है वो क्या है, सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। सबसे पहले एक इन्वेस्टर को सिलेक्ट करना है ब्रोकर को जो डील करता है सिक्योरिटीज में, जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है सिक्योरिटीज में, डील करना चाहता है, वो डायरेक्टली ब्रोकर को अप्रोच कर सकता है या फिर अपने बैंक के थ्रू वो ब्रोकर को अप्रोच करता है। लेकिन ब्रोकर भी पहले चेक करेगा आपको, आपको क्या चीज़ चेक करेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा कि अगर आप पैसा मार्केट में लगाते हो तो करेक्ट टाइम पे आप पैसा पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद जो ब्रोकर है इन्वेस्टर की फाइनेंशियल पोजीशन को सेटिस्फाई वो करेगा कि पहले देखे सेटिस्फाई करेगा इन द सेंस कि पहले वो चेक करेगा कि इन्वेस्टर फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, उसके बाद जो ब्रोकर है वो उसका अकाउंट खोलेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो हुआ, दैट इज सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। इन्वेस्टर सेलेक्ट करेगा ब्रोकर को। देन नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है प्रोसीजर में, दैट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर। आपका अकाउंट ब्रोकर के साथ खुल गया, आप उसके क्लाइंट बन गए। अब एज अ क्लाइंट अगर आपको कोई भी शेयर्स को परचेज और सेल करना है तो आप किसको बोलोगे, आप ब्रोकर को बोलोगे। जो इन्वेस्टर है वो अपने ब्रोकर से भी सलाह ले सकता है कि कौन सी सिक्योरिटीज उसको परचेज करनी है, किस टाइम पे करनी है, या खुद भी वो इसके बारे में स्टडी अगर उसने की हुई है उस चीज़ के रिगार्डिंग, अगर उसे इन्फॉर्मेशन है कि कौन से शेयर्स को या जो भी आपकी सिक्योरिटीज है उसे परचेज करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो जो क्लाइंट है वो सीधा भी अपने ब्रोकर को कह सकता है कि आप ये वाले शेयर्स परचेज करो, मेरे लिए इतना नंबर है, इतने नंबर के शेयर्स परचेज करो और इस प्राइस पर शेयर्स परचेज करो। अगर वो कोई टेंटेटिव प्राइस बताता है ब्रोकर को, तो जो ब्रोकर है वो ट्राई करेगा कि उसके आसपास का प्राइस या जो प्राइस उसने बताया है उस पे परचेज और सेल करे जो भी सिक्योरिटी है। लेकिन अगर ब्रोकर को एक डेफिनेट प्राइस आपने बताया है तो जो ब्रोकर है वो उस प्राइस के साथ ही रहेगा, मतलब जो भी बाय और सेल करेगा वो सिर्फ उसी प्राइस पर करेगा। देन नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है, दैट इज़ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जो ब्रोकर है, जो भी आपने उसे इंस्ट्रक्शंस दी है कि किस प्राइस पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसे खरीदने हैं या बेचने हैं आपके लिए, तो जो ब्रोकर है वो एंटर करेगा जो भी रेट आपने बताया है, प्राइस जो बताया है आपने और जो नंबर आपने बताया है शेयर्स के बाइंग और सेलिंग के लिए, जो भी सिक्योरिटी को आपने बाय और सेल करना है वो उसे एंटर करेगा अपने कंप्यूटर में और उसे फॉरवर्ड करेगा एक्सचेंज को। वो नंबर और जो रेट है वो फ्लैश होगा
बाकी सभी ब्रोकर्स की कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पे भी आपका रेट मैच कर जाता है दूसरे क्लाइंट के, जो ब्रोकर जो है दूसरे ब्रोकर के क्लाइंट के ने जो उसे रेट दिया है उसके साथ, तो ट्रांजेक्शन आपकी स्ट्रक हो जाती है। अदरवाइज जो फर्स्ट और सेकेंड जो आपका क्लाइंट है उसे मॉडिफाई अपने रेट्स करने पड़ते हैं, वो भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। सेकेंड मेथड है कि जो क्लाइंट है वो ये देखे कि वो एंटर करने के बजाय वो खुद ही चेक कर ले स्क्रीन पर कि और कौन सा ब्रोकर है जो उस रेट पर उतने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बाय और सेल करना चाहता है। तो दिस इज मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप आता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब आपकी ट्रांजेक्शन हो गई है, यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन है स्ट्रक हो गई है, उसके बाद जो ब्रोकर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा अपने क्लाइंट को, जिसमें वो मेंशन करेगा डिटेल्स, जो भी सिक्योरिटीज आपने ट्रेड की है उसका, मतलब ट्रेड मतलब जो भी आपने बाय और सेल सिक्योरिटी की है उसकी डिटेल्स मेंशन करेगा, नंबर, प्राइसेस एक्सेट्रा, ब्रोकर आईडी वगैरह जो चीज़ें होती है वो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है, दैट इज सेटलमेंट। सेटलमेंट दो तरीके से हो सकती है, एक है आपका फिजिकल फॉर्म में, एक है डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। दोनों के लिए जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या है और डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या है। फिजिकल फॉर्म का मतलब है कि जो आपको सिक्योरिटी है वो फिजिकल सर्टिफिकेट की फॉर्म में चाहिए, जबकि डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब है कि वही सिक्योरिटी आप अपने डीमैट अकाउंट में उसको इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्म में है उसको आप डेबिट और क्रेडिट करवा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म। जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट है, वो सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में देगा अपना साइंड ट्रांसफर डीड के साथ अपने ब्रोकर को। देन जो सेलिंग ब्रोकर है वो हैंड ओवर करेगा ट्रांसफर डीड, शेयर सर्टिफिकेट कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को। आपने डायरेक्ट उसको नहीं देना है दूसरे ब्रोकर को, एक ब्रोकर या दूसरा ब्रोकर मतलब डायरेक्ट आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगे उसमें। इसमें क्लियरिंग हाउस होता है हर एक स्टॉक एक्सचेंज का, जिसके थ्रू ये जो हैंड्स चेंज हो रहे हैं आपके सिक्योरिटीज के और पैसे के वो होते हैं। वो कैसे कि जैसे जो आपका ब्रोकर है डिपॉजिटरी होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आप पूरा जो डिपॉजिटरी का कंसेप्ट है आप आईएफएस में कंप्लीट करके पढ़ के आए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ब्रोकर है आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है किसी ना किसी डिपॉजिटरी का, तो वो क्या होगा, जो ब्रोकर है आपका, जो आपका सिक्योरिटी आपने सेल की है उस सिक्योरिटी को जमा करवाएगा क्लियरिंग हाउस के पास, और जो क्लियरिंग हाउस है उसे वेरीफाई करके चेक करके फिर जिसने उसको खरीदा है उसको वो देगा। देन जो खरीदा है उसका जो ब्रोकर है वो पैसा देगा क्लियरिंग हाउस को, देन क्लियरिंग हाउस पैसा देगा उस ब्रोकर को जिसने बेचा है। तो इस तरीके से जो वर्क है वो होता है। तो जो बाइंग ब्रोकर है वो डिपॉजिट मनी करेगा क्लियरिंग बैंक के साथ एक्सचेंज में, और जो ये प्रोसेस जो कंप्लीट है इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक है पे इन डे जो स्पेसिफाई करता है स्टॉक एक्सचेंज, एक है पे आउट डे वो भी स्पेसिफाई करता है स्टॉक एक्सचेंज। ये डेट्स होते हैं, आगे रोलिंग सेटलमेंट जो स्टेटमेंट आएगी उसमें हम इसको पढ़ेंगे क्या होता है। अभी के लिए पे इन एंड पे आउट क्या होता है, पे इन डे का मतलब जिस डेट को, जिस डे को जो दोनों पार्टीज हैं उन्होंने जो जो एक दूसरे को देना है वो क्लियरिंग हाउस के पास जमा करवाएंगी। जैसे जो सेलर है उसने सिक्योरिटीज जमा करवानी है क्लियरिंग हाउस के पास, और जो बायर है आपका वो पैसा जमा करवाएगा क्लियरिंग हाउस के पास। पे आउट होता है डे जहाँ पे जो क्लियरिंग हाउस है, जो सेलर है उसको पैसा दे देगा और जो बायर है उसको सिक्योरिटी दे देगा, उसे पे आउट डे कहा जाता है। तो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा ऑन द पे इन डे जो स्पेसिफाई करेगा स्टॉक एक्सचेंज। एग्जामिन करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद ड्राफ्ट्स की, चेक की, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स की, जो क्लियरिंग हाउस है वो पेमेंट कर देगा सेलिंग ब्रोकर को और डिलीवर कर देगा उसे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बाइंग ब्रोकर को पे आउट डे पर। देन जो डीमेटेरियलाइजेशन अगर आपने अपने शेयर्स का करवाया, सिक्योरिटीज का करवाया, तो डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज के लिए क्या प्रोसीजर है। उस केस में अगर आपने सेल की है तो जो इन्वेस्टर है वो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, जो होता ब्रोकर ही है, वो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कहेगा कि जो डीमैट अकाउंट है उसका
वो डेबिट कर दे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो उसने सोल्ड की है, और जो ब्रोकर का अकाउंट है वो क्रेडिट कर दे। अगर परचेज है तो जो इन्वेस्टर है वो चेक इशू करेगा अपने ब्रोकर को पेमेंट के लिए उस सिक्योरिटी की। पे इन डे से पहले जो ब्रोकर है सेलिंग क्लाइंट का, वो ट्रांसफर कर देगा सिक्योरिटीज को क्लियरिंग हाउस जो स्टॉक एक्सचेंज का है उसको। पे आउट डे पर जो क्लियरिंग हाउस है वो पेमेंट कर देगा सेलिंग ब्रोकर को और उससे परचेज कर लेगा, जो ब्रोकर है रिसीव उसको हो जाएंगी, क्रेडिट उस हो जाएंगी उसकी सिक्योरिटीज उसके अकाउंट में। देन इन्वेस्टर जो है वो पेमेंट रिसीव करेगा ब्रोकर से जिसने सेल जो उसने सिक्योरिटीज सेल की है उसके लिए, और जो परचेसिंग ब्रोकर है वो इंस्ट्रक्शन देगा अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कि जो क्लियरिंग हाउस अकाउंट है उसको डेबिट कर दे और उसका जो क्लाइंट है उसके अकाउंट को वो क्रेडिट कर दे। यहाँ पे दो अकाउंट्स आपको चाहिए होता है, एक तो होता है आपका वो अकाउंट जिसमें आपके पैसे आएंगे, मतलब जो सेविंग अकाउंट हो गया, दूसरा हो गया आपके डीमैट अकाउंट जहाँ पे आपकी जो यूनिट्स हैं वो डेबिट और क्रेडिट होती हैं। देन दोनों मेथड्स में इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको फिजिकल फॉर्म में मिल रहा है सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट, और डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज के केस में आपको जो सिक्योरिटीज हो रही हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होती हैं। देन जो लास्ट स्टेप्स में आता है दैट इज रोलिंग सेटलमेंट या रोलिंग स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेजर करता है कि एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी क्या है सिक्योरिटी मार्केट की। यहाँ पे जिस डेट को जब आपने हमने ऊपर अपना स्टेप किया था कि जब आप जो ब्रोकर है उसने एंटर किया कंप्यूटर सिस्टम में अपना कि क्या नंबर ऑफ रेट और नंबर ऑफ शेयर्स उसे बाय और सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कहा था ट्रांजेक्शन स्ट्रक हो गई। स्ट्रक का जब ट्रांजेक्शन स्ट्रक होने का मतलब है कि जो भी आपकी सिक्योरिटी थी वो ट्रेड हो गई। ट्रेड हम उसे बेसिकली जो टेक्निकल टर्म है वो यूज करते हैं, ट्रेड हो गई। तो रोलिंग स्टेटमेंट में क्या होता है कि ट्रेड जो डे है उसे टी कहा जाएगा, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 ये जो चीज होते हैं वो रोलिंग सेटलमेंट होता है। ये इसमें होता क्या है कि जैसे T+5 है, इसका मतलब हुआ कि जिस दिन ट्रेड हुआ है उससे 5 दिन के अंदर अंदर आपका पे इन पे आउट सब कुछ हो जाना चाहिए। तो इनिशियली जब सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था कंपलसरी रोलिंग स्टेटमेंट जनवरी 2000 में, तो जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो पीरियड था T+5, लेकिन उसे कम करके नाउ जो प्रेजेंट है वो T+1 है। हालांकि आपकी बुक में T+2 सेटलमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, तो टी का मतलब ट्रेड हुआ और +2 का मतलब 2 दिन और आपको दिए जाएंगे डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज और कैश पेमेंट के लिए। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को इफेक्टिव एफिशिएंट कब माना जाता है, जब जो आपका रोलिंग स्टेटमेंट का पीरियड है वो लेस होता है। इसका मतलब ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा फास्टर, स्पीडी वे से जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो काम कर रहा है, उसी को हम इफेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज वर्किंग कहते हैं। तो ये था रोलिंग स्टेटमेंट, और ये हमारा जो प्रोसीजर है फॉर डीलिंग एट स्टॉक एक्सचेंज का है, इसके साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।